हाय गाइस, गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों वापस से स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे अपनी लाइफ स्टाइल में। मैं भी बढ़िया एकदम मस्त। तो तुम्हारा भाई अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ उत्तराखंड कुमाऊँ। तो मैं हूँ अभी पांकू जिले के दादर विलेज में। तो यहाँ मैं अभी रुका हूँ शक्तिपीठ मंदिर में। तो यह मंदिर आप कैसे घूम सकते हो और यह मंदिर के दर्शन आप कैसे कर सकते हो, चलो आज आपको बताता हूँ। और रहने रुकना कैसा है, सारा कुछ एक्सप्लोर करूँ, तो वीडियो पे बने रहें। और जो नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। और अच्छी लगे तो ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, एक प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा। जय माता दी दोस्तों। तो आज आपको मैं आरती भी दिखाऊंगा, वो भी लाइव। चलो फिर शुरू करते हैं। शाम के 7:30 बजने वाले हैं और ये मंदिर का नज़ारा। तो आज वोटिंग थी इसलिए मंदिर में भी सन्नाटा था और रोड में सन्नाटा था, इसलिए मैं बाहर कहीं निकला नहीं। तो आप ये देख रहे हो, ये दो रूम आपको दिख रहे होंगे। तो ये रूम है, आप रुक सकते हो, यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो अगर आप कहीं बाहर से आ रहे। और यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट वगैरह मिल जाता है और यहाँ पे लाइट आपको मिल जाती है और आपको गद्दे वगैरह मिल जाते हैं, तो आप अच्छे से विश्राम कर सकते हो। दोस्तों मैं हूँ अभी कोकिला माता मंदिर। ये अब मंदिर आपका पांकू जिले के दादर विलेज में पड़ता है और ये ऑन रोड है। तो आप ये देख सकते हो, ये रोड है, यहाँ पे आप यहाँ तक गाड़ी से अभी आ सकते हो आप, जो कि आप कोई कष्ट नहीं होता। और यहाँ पे आपको आसपास दुकानें मिल जाती है, होम स्टे मिल जाता है रुकने के लिए। और यहाँ पे आपको प्रसाद वगैरह की ये कुछ इस तरीके से दुकानें मिल जाती हैं। और ये देखो, ये रोड है और ये आप देख रहे हो मंदिर का गेट है, यहाँ से आपकी एंट्री होती है माता के दरबार में। और ये काफ़ी शक्तिपीठ मंदिर है, शक्तिशाली मंदिर है, तो यहाँ पे आप ज़रूर दर्शन कर सकते हैं। और ये मंदिर का गेट है। तो चलिए फिर चलते हैं, यहाँ से हम घंटा बजाते हुए चलते हैं। जय माता की। ये मंदिर का वॉशरूम वगैरह है, नहाने के लिए काफ़ी उत्तम व्यवस्था है। यहाँ पे पहाड़ों का पानी आता है जो कि 24 घंटा चलता रहता है, तो आप यहाँ पे नहा सकते हो। और ये इधर भी महिलाओं के लिए बना है, तो यहाँ पे नहा सकती हैं। और फ्रेश होने के लिए उस साइड बाथरूम है। तो ये देखो मंदिर का कुछ इस तरीके से, आज आपको मंदिर का पूरा चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। और ये पानी पीने वाला भी आता, पानी आप कहीं से भी पियो, पहाड़ों का पानी नेचुरल 100% नेचुरल होता है। और यहाँ पे भंडारा चलता है, तो अभी रात हो चुकी है तो अभी कुछ नहीं चल रहा, दिन में आप आते तो यहाँ पे आपको भंडारा मिल जाता है। ये मंदिर की भंडारे वाली जगह है। जय माता कोकिला माता मंदिर, जो कि शक्तिपीठ मंदिर है। और यहाँ पे आपको शेषनाग जी के दर्शन भी करवाते हैं, हम इधर से चलते हैं। इस आप शेषनाग जी के दर्शन भी कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि इनका काफ़ी विशाल रौद्र शरीर है, तो आप देख सकते हो। तो क्या आपको पता है कोकिला माता मंदिर को यहाँ के जो पहाड़ के लोग होते हैं न्याय की देवी बोलते हैं। और जैसे कहते हैं कि गांव या कहीं पे झगड़ा हो जाता है तो पहले कानून के पास जाते हैं, फिर कोर्ट में लड़ते हैं। जब उनसे कुछ नहीं होता तो यहाँ पे माता के पास आते हैं और अर्जी लगाते हैं, और जब मर्जी पूरी हो जाती है तो लोग घंटा भी चढ़ा के जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये घंटे बहुत सारे आपको दिख जाएंगे। तो ये है मंदिर का इतिहास और ये शक्ति सिद्ध पीठ मंदिर है। और आप देख सकते हो कितनी सारी चिट्ठियाँ लगी हुई हैं, तो यहाँ पे माता की गर्भगृह गिरी थी। तो गाइस अभी आरती होने जा रही है, हमारे साथ पंडित जी हैं। तो आपका नाम? मेरा नाम योगेश। और ये यहाँ पे पूजा आप ही करते हो? तो अगर आप पूजा पाठ करवाना चाहते हो तो यहाँ पे आप इनसे पूजा करवा सकते हो और ये मिल जाएंगे आपको। चलो फिर आरती हो रही, हम आपको आरती के दर्शन कराते हैं, आरती करवाते हैं, दिखाते हैं। हम आपको दर्शन भी कराएंगे और आरती भी दिखाएंगे माता की, कैसी होती है आरती। तो ये देखो कुछ मंदिर का, काफ़ी पुराना मंदिर आप देख सकते हो, यहाँ से पता लगता है। और यहाँ से ये मंदिर है, तो आरती बस कुछ ही क्षण में शुरू होने वाली है। तो ये देखो मंदिर के बाहर के नज़ारा, और ये मंदिर कुछ इस तरीके, तो ये माता मंदिर है। आरती शुरू होने जा रही है और अभी पंडित जी संध्या ध्यान को आरती के लिए, तो ये देख सकते हैं आप।
अजा यंत जे गे तो भयाद भागा वो हज तेरे दुश्मा तम जंग नंबर है वो क्या ओम शांति 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 सो शांति रे भवतु। तो गाइस हमने पूजा भी किया, प्रसाद भी लिया और आरती भी हमने की ली और यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी चिट्ठियाँ लगी हुई हैं। तो यहाँ पे माता की गर्भगृह गिरी थी, तो आप समझ सकते हो माता शक्ति कितनी शक्तिशाली होती है। और सिद्धपीठ मंदिर दिन भर का हमारा ये खाना आया है और रात को बज रहे 9 और ये यहाँ पे पुजारी जी हैं। तो योगेश भैया जय श्री राम। और आपका नाम सॉरी पूछना भूल गया था, हाँ अग्नि अमित। तो ये दोनों भैया हैं यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। और हाँ दोस्तों एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अभी जो मेरा छूट गया मंदिर में बहुत सारी चीज़ें छूट गई जो आपको नहीं दिखा पाया हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा, अभी तो मैं निकल रहा हूँ केदारनाथ के लिए, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा तो मैं भैया लोगों से कॉन्टेक्ट करूँगा और भी जो चीज़ें हैं जानने वाली ऐतिहासिक चीज़ें वो आपको नेक्स्ट वीडियो पर एक्सप्लोर करूँगा। तो बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं दिखाता रहता हूँ। भाई पहाड़ के लोगों का प्यार देखोगे, आ जाओ दिखाता हूँ। ये जो खाना है ना इसमें कितनी रोटी, 2, 4, 2, 6, 2, 8 भाई साहब मेरे 3 दिन का ये स्टॉक दे दिया है या तो फिर पूरे घर की रोटियां दे दी हैं। तो सच में तहे दिल से शुक्रिया आप सभी को इतना प्यार सपोर्ट करने के लिए, ये सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मैं 2 से 3 रोटी खाने वाला, इसमें 10-12 रोटियां हैं, तो मैं क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है, पर आपको दिल से शुक्रिया, हर हर महादेव। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और आरती हमने आपको दिखा दी, तो मैंने मुझे आरती दिखाने की परमिशन मिली थी क्योंकि शाम का टाइम मैंने परमिशन लिया था, इसलिए मैं कुछ नहीं दिखा पाया, कुछ खास ज़्यादा नहीं दिखा पाया। बाकी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइम जब भी अब यहाँ पर आएंगे हम आपको पूरा मंदिर और जो हिस्ट्री है वो सारा कुछ दिखाएंगे और बहुत सारी चीज़ें जो नहीं दिखाएंगे वो भी दिखाएंगे। तो बने रहो, लाइक एंड सपोर्ट शेयर करो, मिलते हैं नए वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।